नमस्कार दोस्तों, कारपोन हिंजल के एक और नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज का जो वीडियो है दोस्तों, उसमें हम जानने वाले हैं जो हमारा क्लच पेडल होता है, इसमें जो है फ्री प्ले जो होती है वो कितनी होनी चाहिए, फ्री प्ले क्या होती है और इसको दोस्तों कब कब एडजस्ट करवाना चाहिए। साथ ही मैं आपको बताने वाला हूँ आप घर पर इसको किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। पहले मैं बता दूं दोस्तों, समय समय पर जो है इसको एडजस्ट करवाना पड़ता है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी कार चलती है तो जो क्लच प्लेट है दोस्तों वो घिसने लग जाती है। इस वजह से जो पेडल होता है इसमें फ्री प्ले ज़्यादा जाती है। तो पहले मैं आपको बताऊँ फ्री प्ले क्या होती है। आप ये जो देख रहे हैं दोस्तों, देखिए इतना जो आपको दिख रहा है ये एक तरह से कह सकते हैं फ्री प्ले। इतना जो ये प्रेस हो रहा है इस दौरान दोस्तों हमारी कार की जो क्लच है वो बिल्कुल वर्क नहीं करती। कहने का मतलब ये है कि जो क्लच होती है दोस्तों वो बिल्कुल काम नहीं करेगी और इतनी जो फ्री प्ले है वो रखी जाती है। तो इसको कहते हैं हम फ्री प्ले। यानी कि गलती से कुछ लोग क्या करते हैं कि पैर इस पर रखकर अपनी गाड़ी को ड्राइव करते हैं। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर हम क्लच पर थोड़ा सा पैर रखकर भी जो है ड्राइव करें तो जो है क्लच पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, यानी कि क्लच प्लेट जो है वो जल्दी ख़राब नहीं होगी। तो इसको दोस्तों जो आप ये देख रहे हैं इसको फ्री प्ले कहते हैं। तो दोस्तों अगर फ्री प्ले की बात करें तो मारुति सुजुकी की कार की अगर बात करें, जैसे कि ये ऑल्टो कार है और मारुति सुजुकी की जितनी भी कार होती है दोस्तों उसमें जो फ्री प्ले कंपनी बताती है कि 10 से 15 एमएम आप रह सकते हैं। अगर इंच में बात करें तो 0.4 से 0.6 इंच तक आप रह सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आधा इंच तक या उससे 1 mm आप ज़्यादा रख सकते हैं, ठीक है। आप थोड़ा सा ज़्यादा भी रख सकते हैं। एक्चुअल में दोस्तों क्लच में जो है फ्री प्ले ज़्यादा नुकसानदायक नहीं होती, लेकिन ज़्यादा आप कर देंगे तो गियर जो है वो हार्ड लगेंगे। आप फ्री प्ले 1 inch तक रख सकते हैं मैक्सिमम, लेकिन क्लच पेडल जो है वो टाइट ना रखें आप कभी भी। अगर क्लच पेडल टाइट रखेंगे, जैसे कि इसमें इतनी फ्री प्ले आपको दिख रही है और एक उंगली से मैं इस तरह से प्रेस कर रहा हूँ तो ये आसानी से दब रहा है। मैं आपको इसको एडजस्ट करके भी दिखाने वाला हूँ, जो इंजन कंपार्टमेंट के नीचे का एरिया होता है उसमें जो लीवर दिया होता है क्लच का, उससे मैं आपको दिखाऊँगा किस तरह से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं बता रहा हूँ कि इसको आप बिल्कुल टाइट ना रखें। अगर आप टाइट रखेंगे तो जो क्लच है उसकी जो लाइफ है वो काफ़ी कम हो जाएगी, उस पर काफ़ी असर पड़ेगा। तो मैं आपको दिखा भी देता हूं दोस्तों कि जो ओनर मैनुअल है, अगर ऑल्टो की बात करें तो देखिए दोस्तों यहां पर दिया हुआ है क्लच पेडल प्ले। तो यहां पर दिया हुआ देखिए 10 से 15 mm तक, और इंच में बात करें 0.4 से 0.6 इंच तक आप रख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं दोस्तों कि इसको एडजस्ट किस तरह से किया जाता है। एक्चुअल में दोस्तों जिन कार में वायर क्लच सिस्टम होता है, हाइड्रोलिक सिस्टम नहीं होता, बहुत ही कम जो कारें हैं उनमें हाइड्रोलिक सिस्टम होता है, तो इसमें जो है वायर सिस्टम होता है। मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर देखिए ये जो आप देख रहे हैं वायर जुड़ा हुआ है। तो आप जब पेडल दबाते हैं तो इसके अंदर की जो केबल है वो खींचती है। तो हम आपको दिखाते हैं कि जो इसका मेन लीवर होता है जहाँ से इसको एडजस्ट किया जाता है वो कहाँ पर होता है, चलिए अब देखते हैं। तो अभी दोस्तों मैंने बोनट खोल लिया है और मैं आपको क्लच जो केबल है उसको ढूंढने का एक काफ़ी आसान तरीका बता देता हूँ। आपको पता होता है कि केबल में जो क्लच पेडल होता है वो इस तरफ होता है, तो उसके जस्ट अपोजिट आप बोनट कंपार्टमेंट अगर यहाँ पर देखेंगे, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर देखेंगे तो ये जो आप देख रहे हैं ये क्लच केबल यहाँ से जा रही है। देखिए आपको मैं हाथ से दिखाने की कोशिश करता हूँ, देखिए ये जो देख रहे हैं आप ये क्लच केबल जा रही है और यहाँ से होती हुई ये यहाँ पर आ गई है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर आ गई और सीधे नीचे चले गई है। आप ये जो देख रहे हैं नीचे चले गई, तो हम नीचे चलते हैं। और जिन कार में दोस्तों जो एडजस्टमेंट लीवर है वो अंदर ही दिया होता है बोनट के, तो केबल जो होती है वो यहीं पर आ जाती है, यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि वेगनार वगैरह कार होती हैं उनमें ऊपर भी दिया रहता है, ठीक है। तो आपको केवल ढूंढना है कि जो पेडल है उधर से जो केबल आ रही है वो कहाँ पर आ रही है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये इसका एडजस्टमेंट लीवर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये एक प्लास्टिक का लॉक लगा रहता है, तो इससे दोस्तों जो आप यहाँ पर जो देख रहे हैं इससे आप एडजस्ट कर सकते हैं अपनी कार की क्लच, ठीक है। तो इसको एडजस्ट किस तरह से करना है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपको इसको टाइट कर लेना है और इसको आपको ध्यान रखना है कि ये बहुत ज़्यादा टाइट ना हो। अगर इस पर लोड पड़ेगा तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है। इसको टाइट कर लेते हैं हम पहले थोड़ा सा और देखते हैं अंदर जाके कि जो पैडल है उसमें फ्री प्ले कितनी बची है। तो अभी हम पैडल को देख लेते हैं, अभी हमने इसको टाइट किया हुआ है तो एक उंगली से हम पेडल दबाएंगे और देख रहे होंगे दोस्तों कि ये बिल्कुल भी नहीं दब रहा है, देखिए। और अगर मैं ज़्यादा फोर्स लगाऊंगा तभी जो है ये प्रेस होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अभी इसमें बिल्कुल फ्री प्ले नहीं है। और इस कंडीशन में अगर आप कार चलाएंगे और गलती से आप थोड़ा बहुत पैर रख के भी चलाते हैं कार की क्लच पर,
तो जो क्लच की लाइफ है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो अब दोस्तों जितना कंपनी ने बोला हम उतनी फ्री प्ले इसमें सेट करेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं फिर से कार के नीचे कि किस तरह से जो है फ्री प्ले सेट की जाएगी। तो जो हमारी कार का क्लच एडजस्टमेंट लीवर है उस पर यहाँ पर एक जो है नट दिया गया है। ठीक है, तो इसको अगर हम टाइट करते हैं दोस्तों तो जो क्लच पेडल है वो टाइट हो जाता है, और इसको हम लूज करेंगे तो जो पेडल है वो लूज हो जाएगा। तो अब हम इसको लूज करेंगे ताकि जो हमारे पेडल में थोड़ी प्ले आ जाए। तो अभी मैंने लूज की तो ये केबल भी जो है लूज हो चुकी है और थोड़ा सा जो लीवर है वो भी हिल रहा है। तो अभी हम चल के देखते हैं कि कितनी जो फ्री प्ले है वो आ चुकी है हमारे पेडल में। तो फिर से कार के अंदर चल के देख लेते हैं। तो फिर से मैं एक उंगली से इसको प्लेस करके देखता हूँ। तो देख रहे होंगे दोस्तों कि इसमें जो फ्री प्ले है वो अब आ चुकी है। तो इतना दोस्तों आपको फ्री प्ले सेट करके रखना ज़रूरी है मिनिमम। और कंपनी जैसा कि बता रही है 0.6 mm, माफ़ कीजिएगा 0.6 इंच तक रख सकते हैं। तो अभी मैं देख पा रहा हूँ कि ये आधा इंच के लगभग भी है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों बिल्कुल सही फ्री प्ले अभी इसमें दिख रही है। करीब आधा इंच जो हमारा पेडल है वो आसानी से दब रहा है। तो इतनी दोस्तों आपको फ्री प्ले जो है आपको अपनी कार की क्लच पेडल में रखनी ज़रूरी है। और आप चाहें तो यहाँ पर एक स्केल लगा कर भी नाप सकते हैं। ठीक है, तो जब इस तरह से इतना प्रेस हो रहा है यानी कि आधा इंच के करीब अगर ये प्रेस होगा तो समझ लीजिए ठीक है। और जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया है कि समय समय पर इसको सेट करवाना पड़ता है और सर्विस के दौरान भी इसको सेट किया जाता है। और अगर आप घर पर इसको सेट करना चाहे तो इस तरह से सेट कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि क्लच पेडल में प्ले होना बहुत ही जरूरी है। अगर क्लच पेडल टाइट होगा तो क्लच की लाइफ कम हो जाएगी। उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।